नमस्कार, सत्यमेव न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मानसी आचार्य। सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री का जन्मदिवस आज, राज्यपाल ने दिया बधाई संदेश, कहा आप लंबी आयु प्राप्त करें। जैसलमेर बीएसएफ जवान ने आत्महत्या का किया प्रयास, जवान ने अपने आप को मारी गोली। देशनोक पालिका प्रशासन का बड़ा कारनामा, मलकियत शुदा जमीन पर किया फर्जी पट्टा जारी। और टीम इंडिया के खिलाड़ियों की वेतन वृद्धि, कोहली को मिलेंगे 7 करोड़, एमएस धोनी को मिलेंगे 5 करोड़। और अब खबरें विस्तार से। आज राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का जन्म दिवस है और महिला दिवस भी है। ये राजस्थान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यहाँ की सबसे शक्तिशाली प्रभावशाली राजनेता होने के साथ साथ ही वसुंधरा राजे सिंधिया आम जन में भी बहुत ही लोकप्रिय है। राज्यपाल कल्याण सिंह ने राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को उनके जन्मदिन पर बधाई दी एवं शुभकामनाएं दी। राज्यपाल सिंह ने बुधवार को सुबह मुख्यमंत्री राजे को पुष्प गुच्छ और बधाई संदेश भिजवाकर शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने सीएम राजे को भेजे शुभकामना संदेश में कहा कि आप सुदीर्घ आयु प्राप्त करें और सदैव स्वस्थ रहें। आपके कुशल नेतृत्व में राजस्थान प्रदेश निरंतर प्रगति करें और खुशहाल रहे। आज शीतला सप्तमी का त्यौहार जैसलमेर में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। मान्यताओं के अनुसार संक्रामक रोगों से मुक्ति दिलाने वाली और चेचक रोग से बचाने वाली शीतला माता को ठंडे का भोजन और पकवानों का भोग लगाया जाता है। जैसलमेर के मूल निवासी शीतला सप्तमी को ही शीतला की पूजा करते हैं, जबकि जैसलमेर को छोड़कर मारवाड़ और देश भर के अन्य भागों से आए गृहस्थ अष्टमी को भी इस पर्व को पारंपरिक रूप से मनाते हैं। किले के ऊपर शीतला माता मेले में शहरी एवं ग्रामीण मेलार्थी के पहुंचने से रौनक नजर आने लगी है। शीतला माता मंदिर पर दर्शनार्थियों का तांता लगा हुआ है। टीम इंडिया के खिलाड़ियों की वेतन वृद्धि की मांग रंग लाई। बीसीसीआई के नए कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में खिलाड़ियों के वेतन में 3 गुने से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। आपको बता दें कि दुनिया भर में टॉप टीमों के क्रिकेटर खिलाड़ियों के वेतन को देखने के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने भी समान वेतन की मांग की थी। बोर्ड और खिलाड़ियों के बीच हुई लंबी बातचीत के बाद अब एक नया कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम बनाया गया है, जिसमें खिलाड़ियों को 3 के बजाय 4 ग्रेड में बांटा गया है। अब ए, बी और सी के साथ एक A+ ग्रेड भी होगा। A+ ग्रेड में खिलाड़ियों को 1 साल के 7 करोड़ रुपए मिलेंगे, जिसमें 5 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। ये हैं वे खिलाड़ी जो सभी तीनों फॉर्मेट में खेलते हैं, यानी कप्तान विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन, भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत बुमराह। इसके बाद ए ग्रेड है, जिसमें 7 खिलाड़ी शामिल हैं। इन्हें सालाना 5 करोड़ रुपए मिलेंगे, जिसमें वे खिलाड़ी हैं जो खास तौर पर टेस्ट के लिए पक्के हैं। इस ग्रेड में आर अश्विन, आर जडेजा, मुरली विजय, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, रिद्धिमान साहा के अलावा बस एक एमएस धोनी ऐसे खिलाड़ी हैं जो टेस्ट क्रिकेट में नहीं खेलते। ग्रेड बी के खिलाड़ियों को अक्टूबर 2017 से सितंबर 2018 के लिए 3 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसमें लोकेश राहुल, उमेश यादव, कुलदीप यादव, यजुवेंद्र चहल, हार्दिक पांड्या, ईशांत शर्मा, दिनेश कार्तिक के नाम हैं। ग्रेड सी में शामिल खिलाड़ियों को सालाना 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। इनमें केदार जाधव, मनीष पांडे, अक्षर पटेल, करुण नायर, सुरेश रैना, पार्थिव पटेल और जयंत यादव के नाम शामिल हैं। आपको बता दें कि इससे पहले जो करार था उसमें 3 ग्रेड थे। ए ग्रेड वालों को 2 करोड़, बी ग्रेड वालों को 1 करोड़ और सी ग्रेड वालों को 50 लाख रुपये मिलते थे। श्रीलंका के खिलाफ खेले गए पहले मैच में मिली हार से सबक लेते हुए भारतीय क्रिकेट टीम त्रिकोणीय T20 सीरीज निदास ट्रॉफी टूर्नामेंट में गुरुवार को खेले जाने वाले अपने दूसरे मैच में मजबूत इरादों के साथ बांग्लादेश के खिलाफ मैदान पर उतरेगी। भारत को अपने पहले मैच में श्रीलंका के खिलाफ 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। विराट कोहली के स्थान पर टीम की कमान संभाल रहे रोहित शर्मा ने कहा कि पावर प्ले के दौरान की गई गलतियों को अगले मैच में नहीं दोहराया जाएगा। उनके अनुसार भारतीय टीम पहले 6 ओवरों में अपने मैचों को गंवा बैठी थी।
धरियावद में आदिवासियों की 3 दिवसीय रंग पंचमी के दूसरे दिन बुधवार को रावला बाग परिसर में जमकर खरीदारी हुई। मेले में विभिन्न प्रकार के व्यापारियों ने स्टॉल, झूले, डोलर चक्री सहित कई दुकानें लगाई। ग्रामीणों ने जमकर खरीदारी की। मेले में सर्कस भी आकर्षण का केंद्र रहा। राजस्थान हैंडीक्राफ्ट मेले में प्रजापति ब्रह्मा कुमारी दीदी ने मेले में चरित्र निर्माण की आध्यात्मिक प्रदर्शनी देखी। इस दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी रखी गई। सरपंच नाथी देवी मीणा ने समाज सेवी एवं वार्ड पंच दिव्या सोनी, बंडी भाई टेंट सहित पत्रकारों का स्वागत किया। कार्यक्रम में आदित्य मिश्रा, जसवंत सिंह कोठारी, के बी मीणा, अनिल वक्तावत, पुरुषोत्तम सोनी और वासुदेव सोनी उपस्थित रहे। देशनोक नगर पालिका में फर्जीवाड़े का बड़ा मामला सामने आया है। गत मुख्यमंत्री जन कल्याण शिविर में देशनोक नगर पालिका प्रशासन ने एक मलकियत शुदा भूखंड पर फर्जी पट्टा जारी कर दिया। पालिका प्रशासन ने नगर पालिका रिकॉर्ड में लक्ष्मण दास लूणकरण भूरा के नाम से दर्ज मलकियत शुदा भूखंड पर पड़ोसी छोटू दान के नाम गत 18 नवंबर 2017 को पट्टा जारी कर दिया था। पट्टा जारी होने की सूचना मिलते भूस्वामी ने अपने रिश्तेदारों से संपर्क कर पालिका अध्यक्ष के समक्ष भूखंड की पत्रवली सहित आवेदन प्रस्तुत कर पट्टा निरस्त करने व पट्टा जारी करने में शामिल देशनोक पालिका संबंधित पालिका कर्मियों के खिलाफ विभागीय व कानूनी कार्यवाही की मांग की है। साथ ही आवेदनकर्ता ने चेतावनी भी दी है कि अगर तत्काल कार्यवाही नहीं की गई तो न्यायालय और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की शरण लेनी पड़ेगी। एयर इंडिया ने जयपुर से बीकानेर के लिए नई फ्लाइट उड़ाने की तैयारी पूरी कर ली है। एयरलाइन इस फ्लाइट का संचालन 25 मार्च से शुरू करेगा। अभी बीकानेर के लिए सुप्रीम एयरलाइंस की सिर्फ 9 सीटर फ्लाइट ही संचालित हो रही है। इसी तरह इंडिगो एयरलाइंस भी जल्द ही जयपुर भोपाल जयपुर के लिए नई फ्लाइट शुरू करेगा। कंपनी प्रबंधन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह 70 सीटर ATR विमान होगा। कंपनी 30 मार्च से शुरू हो रहे समर सीजन के दौरान जयपुर से भोपाल के लिए फ्लाइट ATR से शुरू करना चाहती है। करौली के उपखंड हिंडौन सिटी की ग्राम पंचायत भुकरावाली में गांव की प्राचीनतम पहाड़ी बालाजी धाम के नाम से प्रसिद्ध मानी जाती है, जिस पर अचानक आग लग गई, जिससे ग्रामीणों के रखे ईंधन और कैलेंडर जलकर राख हो गए। साथ ही कई दर्जनों बड़े पेड़ आग की चपेट में आ गए। 2 घंटे बाद ग्रामीणों ने पानी व मिट्टी डालकर आग पर काबू पाया। आग पर काबू पाते समय एक युवक को पैर फिसलने से चोट भी आ गई, जिससे युवक के पैर में फ्रैक्चर हो गया है। युवक को नजदीकी हॉस्पिटल में रेफर किया गया। पोकरण क्षेत्र के जैसलमेर रोड पर स्थित पेट्रोल पंप के पास आपातकालीन सेवा वाहन 108 और निजी वाहन की टक्कर होने से दोनों वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं कार में 2 महिलाओं सहित 4 व्यक्तियों को हल्की चोटें आई हैं। जानकारी के अनुसार आपातकालीन सेवा 108 पोकरण से जैसलमेर की ओर जा रही थी। इसी दौरान जैसलमेर रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास अचानक गाय के आने के कारण चालक ने गाड़ी को पुनः पोकरण की ओर घुमा दिया, जिसके कारण जैसलमेर की ओर से आ रही कार आपातकालीन सेवा से जा टकराई और कार और आपातकालीन सेवा 108 की टक्कर के कारण कार का अगला हिस्सा पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा क्षतिग्रस्त वाहनों को मौके से हटाया गया तथा गंभीर घायलों को पोकरण स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार हेतु लाया गया। बाड़ी तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा बुधवार को ACGM दीपक कुमार सोनी और न्यायिक मजिस्ट्रेट ब्रिजेश कुमार के नेतृत्व में शहर के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय किला में 8 मार्च महिला दिवस के परिप्रेक्ष्य में साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित बालिकाओं को न्याय अधिकारियों ने महिलाओं के अधिकार, महिला उत्पीड़न, बाल विवाह, बालिका शिक्षा के साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान को लेकर जानकारी दी। साथ में पॉलिथिन कैरी बैग से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में भी अवगत कराया। साक्षरता शिविर में उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक, स्टाफ सहित जगदीश सिंह कनिष्क लिपिक मौजूद रहे। बसेड़ी बाड़ी सड़क मार्ग पर एक ट्रैक्टर ने टक्कर में एक 13 वर्षीय बालक और एक विवाहिता महिला को सहित 3 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया।
सूचना पर पहुंचे परिजनों ने निजी साधन से घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सकों ने तत्परता दिखाते हुए गंभीर रूप से घायलों को भर्ती कर प्राथमिक उपचार देकर हायर सेंटर के लिए रेफर किया। ट्रैक्टर चालक की लापरवाही के चलते सामने से बाइक में टक्कर मार दी, जिसके चलते हादसे में प्रेम सिंह पत्नी और बच्चे सहित गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने सभी घायलों को बाड़ी फंड पर स्थित सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां से गंभीर हालत के चलते ड्यूटी पर तैनात चिकित्सकों ने सभी घायलों को जिला चिकित्सालय धौलपुर के लिए रेफर कर दिया। और साथ ही परिजनों ने घटना को अंजाम दिए ट्रैक्टर चालक को ट्रैक्टर सहित पकड़कर बाड़ी थाना पुलिस के हवाले कर दिया और पुलिस घटना को लेकर जांच कर रही है। जैसलमेर सीमा सुरक्षा बल के जवान ने अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या करने का प्रयास किया, जिससे जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार भारत पाक सीमा से सटे 161 बटालियन के चांद सीमा चौकी पर सचिन कुमार जवान कुक का काम करता था। सुबह जब जवान रसोई में था कि रसोई के अंदर से तेज गोली की आवाज आई, जिससे सीमा चौकी में हड़कंप मच गया। सीमा चौकी पर जवान और अधिकारियों ने देखा तो सचिन कुमार जवान नीचे गिरा हुआ था और उसके हाथ में गोली लगी हुई थी। प्रथम दृष्टि से बताया जा रहा है कि जवान सचिन कुमार ने किसी की बंदूक से अपने आप को मारने का प्रयास किया, जिससे बंदूक से लगी गोली उसके कंधे पर लग गई। जवान सचिन कुमार घायल हो गया। घायल जवान के कंधे से गोली तो आर पार हो गई, लेकिन जवान का प्राथमिक उपचार कर जिले के राजकीय जवाहर अस्पताल लाया गया, जहां जवान का उपचार चल रहा है। देश के घरेलू तेल उत्पादन में लगभग 1/4 का योगदान देने वाले थार रेगिस्तान के तेल क्षेत्रों की सुरक्षा अब महिला सुरक्षा कर्मियों के साथ अधिक मजबूत हो गई है। सामान्य तौर पर पुरुषों के एकाधिकार समझे जाने वाले ऑयल फील्ड्स में सिक्योरिटी के मामले में भी महिलाओं की मौजूदगी के कारण बाड़मेर में एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है। विशेष बात यह भी है कि हाल ही में यहां सुरक्षा टीम में जुड़ने वाली सभी महिलाएं थार क्षेत्र की मूल निवासी हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्यमेव न्यूज़।